वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 14 है न्यूक्लियर फिजिक्स का। ओके, पार्टिकल फिजिक्स अपन ने खत्म कर ली थी और न्यूक्लियर फिजिक्स अपनी चल रही थी। उसमें अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस क्या क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व देख लिया था, स्टेबिलिटी कर्व देख लिया था, और इसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं कोई भी न्यूक्लियस की, ठीक है, कैसे क्या रिलेशन होता है दोनों में वो देख लिया था। सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, मास पैराबोला क्या होता है, कैसे अपन स्टेबल फॉर मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस के लिए जो मास है वो एटॉमिक नंबर जेड है वो कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं उनके अपन ने क्वेश्चंस कर लिए थे। ओके, तो अपना बहुत हद तक यहाँ पे ये मान के चलो कि लगभग 40% न्यूक्लियर का, नॉट एटो पार्टिकल का, मैं ओनली न्यूक्लियर का कंसिडर कर रहा हूँ, 40% प्लस सिलेबस हो चुका है। तो आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। एक तो देखेंगे अपन आज क्यू वैल्यू, ठीक है, क्यू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होती है क्यू वैल्यू। फिर अपन देखेंगे इसके अंदर क्यू वैल्यू के बाद में थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी लिख लो, है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी ये देखेंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे इसके अंदर सेपरेशन एनर्जी फॉर प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आज के जो लेक्चर के जो टॉपिक होंगे वो मेनली ये टॉपिक होंगे, और ये टॉपिक तो मान के चलो लगभग हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। तो अपन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो दो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उनको सॉल्व करवाता हूँ, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। ओके, तो देखो क्वेश्चन पहला है, होमवर्क क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चन को। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द लाइट न्यूक्लियस इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन बाय एप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, ये दे रखा है तुम्हें, वी जेड ए इज इक्वल टू 16A माइनस 20 ए टू द पावर 2/3 माइनस 3/4 जेड स्क्वायर ए टू द पावर माइनस 1/3 एंड प्लस 30 एन माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन ए, ये तुम्हें गिवन है। बोल रहा था वैल्यू ऑफ जेड ऑफ द मोस्ट स्टेबल आइसोबार फॉर गिवन ए, ठीक है, वैल्यू ऑफ जेड फॉर मोस्ट स्टेबल आइसोबार ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऑप्शन में लिख रहा हूं, वैसे तुम्हें लिखवा दिए थे मैंने, ए बाई टू 1 माइनस ए टू दी पावर 2/3 अपॉन 160 की पावर माइनस 1, ऑप्शन बी है ए बाई टू, ऑप्शन सी है। ऑप्शन में इसलिए लिख रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन जो है वो बहुत जरूरी हो जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन तुम्हारे पास में बहुत जरूरी हो जाते हैं, और ए बाई टू क्योंकि कैलकुलेट तो तुम कर लोगे लेकिन तुम्हें आंसर किसके फॉर्म में लाना है वो इंपॉर्टेंट है। ये है तुम्हारे पास, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो यहां पे सॉल्यूशन, ये कोई एग्जाम में पूछा हुआ है ना, शायद पेपर में या किसी में पूछा हुआ है, देख लेना, अब मैं जब असाइनमेंट दूंगा तब देख लेना। देखो सबसे पहले तो तुम्हें बी कितना दे रखा है, बी जेड ए तुम्हें दे रखा है 16A - 20A^2/3 माइनस 3/4 जेड स्क्वायर ए टू द पावर माइनस 1/3 प्लस 30/8 n बराबर a माइनस जेड होता है, टोटल a बराबर n प्लस जेड होता है, तो n बराबर a माइनस जेड हो जाएगा, a माइनस 2z का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन ऐसे, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऐसा, क्योंकि मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए क्या होता है तुम्हारे पास में, डेल b अपॉन डेल z इज इक्वल टू 0 करेंगे तो z के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो n जो होता है वो कांस्टेंट नहीं है, n z पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने इसको z में चेंज किया है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर मेनली यही था। तो अब देखो यहाँ पे इसका जीरो होगा, इसका जीरो होगा, इसका कितना हो जाएगा, टू इधर आ जाएगा तो माइनस 3/2 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट होके जेड ए टू द पावर माइनस 1/3 प्लस इसका, इससे करोगे तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो 60/a, ठीक है, a माइनस 2z, ये तो मैंने इसका कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर भी होगा तुम्हारे पास में, इसके अंदर देखो इसका जीरो और इसका कितना हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही आएगा। चलो आगे इसको सोल्व करते हैं, माइनस 3/2 जेड ए टू द पावर माइनस 1/3 प्लस
या माइनस करो तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ देखो क्या हो जाएगा 60, इसको अंदर मैं थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये देखो यहाँ तुम्हारे पास में 120 हो जाएगा, 120 और ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारे पास, ये इसको जब अंदर ले जाओगे तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इससे करोगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 240 हो जाएगा, 240 ठीक है, 240 और ये हो जाएगा जेड अपॉन ए ठीक है इज इक्वल टू जीरो। कैलकुलेशन देखना है, ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें तो भाई जेड चाहिए ना, जेड चाहिए होगा, तो देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, यहां से मैं तुम्हारे पास में जेड कॉमन ले लेता हूँ ठीक है, तब जेड कॉमन लूंगा तुम्हारे पास में, देखो क्या बचेगा तुम्हारे पास 3/2 ए टू दी पावर माइनस 1/3 माइनस के अंदर ठीक है, प्लस यहाँ पे 240 डिवाइडेड बाय ए ओके इज इक्वल टू 120 ये हो जाएगा। चलो इसको मैं ऐसे कैसे इधर ले आता हूँ, क्योंकि तुम्हें जेड की वैल्यू चाहिए, तो 120 अपॉन माइनस 3/2 ए टू दी पावर माइनस 1/3 प्लस 240 डिवाइडेड बाय ए ये हो जाएगा ठीक है, इतना ठीक है। अब देखो तुमने तुम्हारा काम कर दिया कि सर हमारा तो ये आंसर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन तुम्हें किस तरह से दे रखे हैं, a by 2 के फॉर्म में दे रखे हैं ना, a by 2 के फॉर्म में, तो ऊपर a आएगा, कहने का मतलब यहां पे एलसीएम में a ले लूं तो a ऊपर चला जाएगा तुम्हारे पास में, तो देखो यहां पे z इज इक्वल टू 120 a ओके, यहां पे जब एलसीएम a लेंगे तो ये a से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 3/2, ये जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 2/3 बच जाएगा, a की पावर 2/3 बच जाएगा, और यहां पे प्लस 240 प्लस 240 ये आ जाएगा। अब देखो तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें a by 2 चाहिए, यानी कि यहां से 120 कैंसिल आउट होना चाहिए, नीचे कितना चाहिए 240, से भी तो a by 2 आएगा, तो मैं क्या करता हूं आगे 120 a अपॉन यहां से 240 मैं लेता हूं कॉमन ठीक है, तो देखो क्या बचेगा, ये 1 ऐसे कैसे बच जाएगा माइनस ठीक है, यहां से देखो जब मैं 240 ले रहा हूं तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, ऐसे करो इसको 2/3 a टू द पावर 2/3 अपॉन 240 में कॉमन ले रहा हूं, नहीं है यहाँ पे 240 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला बाहर आ गया, नीचे वाला मैंने ऐसे कैसे लिख दिया 240, कोई कंफ्यूजन इसमें ठीक है। अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो यहाँ पे a by 2 बच जाएगा, क्या a by 2 बच गया, ये इसको ऐसे भी लिख दो ऑप्शन की जैसे a by 2 ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा क्या, और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, इस पूरी क्वांटिटी को जब ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर माइनस 1, तो 1 माइनस a टू द पावर 2/3 अपॉन 160 टू द पावर माइनस 1 दिस इज जेड। अब चेक करो जेड तुम्हारे पास क्या आ रहा है, जेड इज इक्वल टू a by 2 1 माइनस a टू द पावर 2/3 अपॉन 160 की पावर माइनस 1 ठीक है, दिस इज जेड। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा तुम्हारे पास में, ऑप्शन a इज द राइट आंसर ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, तरीका वही है, बस तुम्हें कैलकुलेशन देखनी है। कैलकुलेशन में क्या है, सिंपली तुम जेड निकालना है, सबसे पहले जेड निकाल लो, उसके बाद में तुम क्या करो कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें देखो, जैसे a है तुम्हारे पास में तो a by 2 के फॉर्म में सारे ऑप्शन है, तो a by 2 बनाओ इसके अंदर, कैसे भी तुम्हें a by 2 बनाना तो आता होगा ना, इतना तो कैलकुलेट कर सकते हो, उसके बाद में देखो तुम्हारे पास में इस तरह से सॉल्यूशन अपने आप निकल के आ जाएगा ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया होगा, चले आगे, हमें आगे चलें, चलो आगे चलते हैं ठीक है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास था, क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, मैं ओनली बोल के तुम्हें बता रहा हूँ। क्वेश्चन तुम्हारे पास भी ये था, क्वेश्चन सेकंड होमवर्क ये था, द डिफरेंस इन द कोलंबियन एनर्जी बिटवीन द मिरर न्यूक्लियाई, मिरर न्यूक्लियाई दे रखा है 24, क्रोमियम 49 एंड 25, मैग्नीशियम 49, ठीक है ये दे रखा है। इस यानी कि इनका दोनों का जो कोलंबियन एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ईसी वो दे रखा है 6.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके assuming that the nuclei have spherical symmetric charge distribution and the mass difference between the mirror nuclei depends only on the Coulombian turn, ठीक है? Estimate the radius, किसकी radius निकालनी है? 25 mn 49, इसकी तुम्हें क्या करनी है? radius निकालनी है। चलो ठीक है, given that तुम्हें क्या दे रखा है? e square upon 4 pi epsilon naught, e square upon 4 pi epsilon naught is equal to 1.0 mega electron volt into Fermi, ये तुम्हें दे रखा है, ठीक है? और ऑप्शन क्या दे रखे हैं? पहला ऑप्शन है 4.9 × 10⁻³⁰ मीटर, ऑप्शन बी है 4.9 × 10⁻¹⁵ मीटर, ऑप्शन सी है 5.1 × 10⁻³⁰, ऑप्शन डी है 5.1 × 10⁻¹⁵, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके तो देखो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी कोलंबियन एनर्जी, देखो वी नो दैट तुम ये जानते हो कि जो ईसी है वो कितना होता है, ईसी तुम्हारे पास होता है 3/5, ठीक है? या तुम ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिखो जरा से रहेगा, एसी जेड इंटू जेड माइनस वन अपॉन ए टू दी पावर 1/3। AC होता है 3/5 K square upon R naught A to the power 1/3 Z into Z minus 1, ये होता है। इसको मैं radius R लिख सकता हूँ, किसके लिए लिखूँ सबसे पहले मैं 24 chromium 49 इसके लिए लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, EC1 लिख देता हूँ इसको मैं, is equal to हो जाएगा 3/5 K square upon R Z into Z minus 1, तो Z कितना है 424 into 24 minus 1, ठीक है? equation number 1। similarly किसके लिए करेंगे अपन, 25 magnet 49 के लिए, तो कितना हो जाएगा, EC2 is equal to 3/5 K square upon R, ठीक है? radius तो तुम्हारे पास में क्या होगी, दोनों की same होगी, क्योंकि radius किस पे depend करती है, A पे depend करती है ना, radius जो होती है R बराबर R नोट A to the power 1/3, ठीक है? तो दोनों का देखो A सेम है तुम्हारे पास में, मिरर न्यूक्लियाई के लिए रेडियस सेम होती है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 × 25 - 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? अब क्या करूँ मैं, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा EC दोनों का डिफरेंस क्या क्या कॉमन आ रहा है, 3/5 K स्क्वायर अपॉन R, दोनों में कॉमन आ रहा है 25 × 25 - 1 माइनस 24 × 24 - 1, ये हो जाएगा। इसको तुम सोल्व कर लोगे, यहां से देखो सोल्व करना बहुत आसान है, कैसे करोगे, 3/5 K स्क्वायर अपॉन R, यहां से एक काम करो 24 कॉमन ले लो, ठीक है? 24 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 25 - 23, यही तो बचेगा तुम्हारे पास में भाई, मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं तुम इसको मल्टीप्लाई करने बैठ गए, ये 24 बचेगा, 24 कॉमन ले लिया तो 25 बचेगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा 23 बचेगा। अब देखो आगे डेल्टा ईसी तुम्हें गिवन है, डेल्टा ईसी देखो तुम्हारे पास में स्टार्टिंग में गिवन है कितना है 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पे आर को इधर ले जाऊं और इसको इधर ले आऊं, तो आर इज इक्वल टू, तुम्हें आर तो निकालनी है, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5 9 × 10⁹9, ठीक है? K की वैल्यू रख दिया। अब देखो यहाँ पे K की वैल्यू तुम्हें रखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम्हें E square upon 4 pi epsilon की वैल्यू दे रखा है 1 mega electron volt into Fermi। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे देखना, इस पूरे की जगह K बराबर होता है 1 upon 4 pi epsilon naught, तो K square की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है, K square की होती है 1 mega electron volt into Fermi, क्यों? K की वैल्यू तो 1 upon 4 pi epsilon naught होती है, तो वो K square तो बन गया है तुम्हारे पास में, इसको मैं लिख देता हूँ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू फर्मी, ठीक है? ये मैंने K स्क्वायर की वैल्यू रख दी, अपॉन R इधर चला गया, डेल्टा ईसी की वैल्यू कितनी है
6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो ठीक है, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास में, 24 × 48 48 ये हो जाएगा तुम्हारे पास में। अब देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आगे देखो तुम्हारे पास कैंसिल करो 6 और ये कितना बचाएगा, 8 बच जाएगा, आरती है 24 हो जाएगा तुम्हारे पास में, 24/5 फर्मी हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, ऐसा कुछ आ जाएगा, ये देखो 5 × 24 तो यहाँ पे तुम्हारे पास में 4, ठीक है ना, 4 पॉइंट, और यहाँ पे 4 बचेगा 8 फर्मी, ठीक है, R इज इक्वल टू। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है देखो यहाँ पे तुम्हारे पास में, लगभग फर्मी के अंदर ये वाला ऑप्शन आ रहा है, एक ये आ रहा है, लेकिन ये तो इसके आसपास नहीं है, ये भी गलत, तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कर लो इसको जल्दी से, लगभग तुम्हारे पास में क्या है ये लगभग किसके बराबर है, 4.9 फर्मी के तो बराबर है। नोट कर लो इसको आंसर। अच्छा ये एग्जैक्ट है क्या, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है ना, नॉट एग्जैक्ट, ये नॉट एग्जैक्ट आंसर नहीं है। एग्जैक्ट चलने के लिए क्या होगा, सेकंड मेथड लिख लो, है ना, सेकंड मेथड लिख लो इसका, सेकंड मेथड, इससे भी निकालोगे तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना, इससे भी निकालोगे तो ऑप्शन मिल जाएगा। सेकंड मेथड क्या है, तुम्हें पता है ईसी इक्वल टू होता है एसी अपॉन ए टू द पावर 1/3, और मैंने क्या बोला था, जेड इंटू जेड माइनस 1। तो अगर मैं जेड तुम्हारे पास में ज्यादा है, लार्ज है, तो मैं 1 को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने तब थ्योरी पढ़ाई थी तब मैं तुम्हें बताया था, ठीक है। तो जेड स्क्वायर लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3/5 के स्क्वायर अपॉन आर जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे डेल्टा ई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5 के स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे हो जाएगा जेड 1 स्क्वायर माइनस जेड 2 स्क्वायर, ठीक है। जेड 1 मतलब इसका, इसका जेड 1 मतलब, जेड 2 मतलब इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे या जेड 2 इसको कर लो अगर इसमें कंफ्यूज होते हो, तो यहाँ पे देखो आर इधर आ जाएगा 3/5 के स्क्वायर की वैल्यू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू फर्मी अपॉन 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा ई से नीचे आएगा, तो ये तुम्हारे पास में 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब तुम सोल्व करोगे, कैंसिल आउट करके सोल्व करोगे, तो तुम्हारे पास में देखो ये 4.9 फर्मी आएगा, एग्जैक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों तरीके हैं, मैंने बोला भी था तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट करो, फिर अपन आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट के ये कंफ्यूजन थी कि सर जो यूनिट कन्वर्टर जो होता है, जैसे एएमयू को जूल में चेंज करना, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, तो मैं एक बार वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, फिर अपन टॉपिक में आते हैं, ठीक है ना। जिसको कंफ्यूज नहीं होता है तो वो इस पार्ट को स्किप कर सकता है, ठीक है ना, आगे देख सकता है, और जिसको कंफ्यूज होता है तो वो देख लो। चलो देख लेते हैं, है ना, यूनिट कन्वर्टर देख लेते हैं। तो नोट करके लिख लिया होगा तुमने, पहले लिख रखा है, मैंने लिखवाया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, लिखवा दिया था जब मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टार्ट किया था, फिर भी दोबारा लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, तो 1 AMU है, जिसको अपन 1U भी लिखते हैं, यूनिफाइड मास यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका, ये किसके बराबर होता है 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, अगर किलोग्राम में चेंज करना है, ठीक है, एक तरह से मास हो गया ये, ठीक है। अगर तुम्हें एम सी स्क्वायर मिल जाए तो तुम्हारे पास में क्या होता है, जूल होता है, तो अगर तुम्हें 1U को
जूल में चेंज करना है तो क्या करोगे, 1.67 into 10 to the power minus 27 into c square, ये जूल में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो समस्या अब आती है, अब तुम्हें कोई बोले कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करो, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के कंफ्यूज होता होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, ये कंफ्यूज होता होगा तुम्हें, है ना। तो देखो इसका तरीका क्या है, तुम्हें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, ये तो पता होगा सबको, ये भी नहीं पता, ये तो सबको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, मान लो तुम्हें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, करना क्या है, यहां से तुम्हें जूल को हटाना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाना है, ये तो करना है। तो मैं इसको ऐसे कर दूं, देखो यहां पे जूल बराबर क्या हो जाएगा, जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹, इसको 1 जूल कर दूं, 1 जूल इज इक्वल टू, ये ऐसे कैसे है, इसके अपॉन में आ जाएगा, ये तो लिखा है मैंने, तो ये वैल्यू देखो यहां पे रखो, 1U इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻²⁷ इंटू सी स्क्वायर। अब जूल की वैल्यू क्या है, 1 जूल की वैल्यू क्या है, 1 जूल की वैल्यू ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूं अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹, ये तरीका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने का। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो क्या करो, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर सीधा तुम्हें 1U को या 1 AMU को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो कैसे लिखोगे, AMU को कैसे लिखोगे, इसको डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करोगे, 931.50 से मल्टीप्लाई कर देना, दिस इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लो। ठीक है, तो ज्यादातर टाइम में क्या होता है एग्जाम्स में, जो AMU में तुम्हें जो मास होता है वो AMU में देते हैं, ठीक है ना, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछते हैं, तो तुम डायरेक्ट 931 जो भी तुम्हारी AMU है उसको लास्ट में 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अगर किलोग्राम में निकालना है तो 1.67 × 10⁻²⁷ से मल्टीप्लाई कर लेना, ये कहां से आता है प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है मैंने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में चेंज करना है तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो जूल की वैल्यू रख दो। अब जैसे तुम्हारे पास में एग्जांपल ये है, तुम्हें कोई बोले 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, चेंज इन जूल, इसको जूल में चेंज करो, ठीक है, तुम्हें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रखो, जूल आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 × 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के अंदर ही आ गया। ठीक है, जूल में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो 1 जूल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ये, तो कोई भी क्वांटिटी है उसको ऐसे लिख के देख लिया करो, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास में मान लो कोई भी डिस्टेंस है तुम्हारे पास में वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको मीटर में चेंज करना है, तो तुम्हें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे सेंटीमीटर तुम्हें हटाना है, मीटर लाना है, तो क्या करो, 1 सेंटीमीटर बराबर, यहां से तुम क्या लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 और यहाँ पे मीटर, तो देख दो यहाँ पे 5 1 सेंटीमीटर किसके बराबर रखोगे, यहाँ पे 1/100 और यहाँ पे मीटर, यानी कि 0.05 मीटर। ठीक है, अगर तुम्हें डायरेक्ट मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में चेंज करना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की वैल्यू रख दो, यहाँ तुम्हारे पास नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये मत सोचना कि सर कितनी छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, ये चीजें बहुत बार कंफ्यूज कर देती है, तो ये तुम्हें तरीका पता होना चाहिए, हो सकता है कि तुम यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, लेकिन जब तुम एग्जाम टाइम पे जाते हो ना, और जब तुम्हारे पास में बिल्कुल प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, तो वहां पे तुम बहुत बार गलती करके आ सकते हो, ठीक है ना, आए हुए होंगे तुम, है ना, तुम खुद सोच रहे हो बात। ठीक है, तो ये नोट कर लो, करना चाहो तो फिर अपन आगे चलते हैं। हो गया, अब अपन इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, अपन ने अपना जो मिरर न्यूक्लियर वो कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लो इसके अंदर क्या होता है तुम्हारे पास में, जैसे मान लो ये जनरल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, इसका जनरल फॉर्म x + x इज इक्वल टू y + y। ठीक है, जनरली क्या बोला जाएगा,
इसको जनरली क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा रिएक्टेंट, ये पूरा दोनों मिला के रिएक्टेंट है तुम्हारे पास में, इसको तुम्हारे पास में बोला जाएगा प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। जो अपन इंसिडेंट पार्टी का जो इंसिडेंट करवाते हैं किसी टारगेट के ऊपर, इंसिडेंट पार्टी है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, इसको बोलते हैं तुम्हारे पास में टारगेट, और कभी कभी इसको क्या बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। और इसको बोलते हैं तुम्हारे पास में क्या डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई, और इसको क्या बोलते हैं तुम्हारे पास में जब ये इससे रिएक्ट करता है तो डॉटर न्यूक्लियाई बनता है और तुम्हारे पास में एक पार्टिकल इजेक्ट होता है, निकलता है वहां पे, तो इसको बोलते हैं इजेक्टेड पार्टिकल, इजेक्टेड पार्टिकल, इजेक्टेड पार्टिकल। ये दोनों मिलके ये क्या होते हैं तुम्हारे पास में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ठीक है ना, स्प्लेन का देख लेना। और ये दोनों मिलके क्या होते हैं तुम्हारे पास में प्रोडक्ट, ये दोनों मिलके क्या होते हैं तुम्हारे पास में प्रोडक्ट, ठीक है। इतना इसमें कोई कंफ्यूज मत रहना कभी भी, अगर तुम्हें बोलूं मैं इजेक्टेड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है ना, और इसके अलावा जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो तुम्हें समझना है प्रोजेक्टाइल पार्टिकल सर कौन सा बोल रहे हैं और इजेक्टेड पार्टिकल की कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बाद में नीचे लिख लेना, नोट करके लिख लो, फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल या मोशन, और रिलेटिविस्टिक मोशन या रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो कि रिलेटिविस्टिक मोशन कर रहा हो। रिलेटिविस्टिक मोशन का मतलब होता है ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो, ठीक है ना, इनकी स्पीड जो है उससे अपन कंपेयर कर सके, उसके बराबर जरूरी नहीं है, उससे कंपेयर भी कर सकते हैं ना, कंपेरेबल भी हो सकती है। तो ऐसे पार्टिकल के लिए तुम्हारे पास जो टोटल एनर्जी होती है, लिख लो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल कितनी होती है, ई टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। तो ई टोटल इज इक्वल टू के लिख दू इसको मैं, ठीक है ना, के कोई पार्टिकल की, और रेस्ट मास एनर्जी जनरली अपन क्या लिखते हैं एम नोट सी स्क्वायर, ठीक है। और जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो ई स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c4, ठीक है, e इक्वल टू कितना हो जाएगा p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c4। ये सारी चीजें अपन str में पढ़ेंगे क्लासिकल में, है ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर, ठीक है ना, ये नोट कर लेना। अब इसमें दो कंडीशन ले रहा हूं मैं, ये नोट करो जल्दी से। अब लिख लो इफ पार्टिकल एट रेस्ट, इफ पार्टिकल, इफ पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल अगर रेस्ट के अंदर है तो उस केस में क्या होगा, जो मोमेंटम होगा वो तुम्हारे पास में क्या होगा जीरो, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में है, कोई उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कोई उसकी वेलोसिटी नहीं है, p बराबर mv होता है, v जीरो है तो p भी जीरो होगा। देन इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब रेस्ट में है तो p बराबर जीरो होगा, तो e इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी फोर अंडर रूट के अंदर, तो e इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, दैट इज रेस्ट मास एनर्जी। लिखता हूँ ना, वैसे क्वेश्चंस किए हैं अपन ने बाइंडिंग एनर्जी के, काफी क्वेश्चंस किए हैं सोल ऐसे, ठीक है ना, तो उसमें लिखता हूँ अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और रेस्ट मास एनर्जी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिख लो इफ पार्टिकल मूविंग विद सी, देखो इफ पार्टिकल मूविंग विद स्पीड सी, सी से अगर वो मोशन करता है दैट मीन्स तो उसका रेस्ट मास है वो तुम्हारे पास में क्या होगा वहां पे जीरो, तो उस केस के अंदर टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, ये जीरो हो गया तो इज इक्वल टू पी सी के बराबर हो गया, ठीक है, पी मोमेंटम है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है ना। तो ये तुम्हें सारे फॉर्मूले मतलब सारी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है, ये बेसिक है, बिल्कुल ये बेसिक है। अब अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने को करने में मजा आएगा, ठीक है ना, तो इसको नोट करो जल्दी से, और हेडिंग लिखो क्यू वैल्यू,
अब अपन एक एक फॉर्मूला पढ़ते जाएंगे और उनके क्वेश्चंस भी साथ में करेंगे, जिससे तुम्हारा क्लियर हो जाए कि किस तरह से फॉर्मूले यूज में आते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो लिख लो क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्यू वैल्यू भी पूछा हुआ एग्जाम में, नहीं, क्यू वैल्यू जो है अदर क्वेश्चंस में काम में आती है, ठीक है ना। जैसे अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालेंगे तो वहां पे क्यू वैल्यू का इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है ना। या जब अपन डीके पढ़ेंगे, बीटा डीके, अल्फा डीके वगैरह, वहां पे भी क्यू वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना, कोई भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो क्यू वैल्यू होती क्या है, कोई भी जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है ना, उसमें जब जो भी एनर्जी एक्सचेंज होती है उसको अपन क्यू वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। तो लिख लो इसके अंदर, द एनर्जी एक्सचेंज इन एनी न्यूक्लियर प्रोसेस इन एनी न्यूक्लियर प्रोसेस इज नोन एज क्यू वैल्यू, इज नोन एज क्यू वैल्यू, ठीक है, दैट इज नोन एज क्यू वैल्यू। ये क्यू वैल्यू, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, कोई भी न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहा है, वहां पे अगर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, उसी को अपन क्या कहेंगे, क्यू वैल्यू कहेंगे। क्यू वैल्यू एक एनर्जी है तुम्हारे पास में, ठीक है। क्यू वैल्यू जो होता है, कोई भी रिएक्शन दे रखी है, वो क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर ये एनर्जी यूनिट्स में दे रखे हैं तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ये एएमयू वगैरह में या मास यूनिट में किलोग्राम में दे रखे हैं तो तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पे सी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ये जूल में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी को मैं 931.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। कहने का मतलब, अच्छा मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं जो कि रिएक्शंस जब होती है हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो टर्म होती है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, आफ्टर रिएक्शंस जो राइट हैंड साइड में जो टर्म होती है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, मास ऑफ इनिशियल, ठीक है ना, इनिशियल तो हमारे पास जो होता है समेशन जितने भी पार्टिकल है, माइनस मास ऑफ फाइनल इनटू सी स्क्वायर जूल, या फिर क्यू इज इक्वल टू ऐसे लिख दूं इसको, मास ऑफ इनिशियल माइनस मास ऑफ फाइनल, समेशन तो लगा ही देना यहां पे, और यहां पे मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इफ मास इज गिवन इन एएमयू एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है, तो अपन ऐसे करते हैं, ठीक है। तो क्यू वैल्यू अभी पर जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत आसान चीजें हैं, तब समझ में आ जाएगा, नोट करो इसको। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, देखो क्यू, पहला केस क्या है, व्हेन क्यू ग्रेटर देन जीरो, दैट मींस क्यू पॉजिटिव, दैट मींस क्या होगा, एनर्जी इज रिलीज्ड, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सेकंड केस ये हो सकता है, दैट मींस क्यू तुम्हारे पास में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, ये स्पेशल केस होता है, ठीक है ना। ये भी रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन भी पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है वो आगे बताऊंगा ना। अलग टर्म आएगा तुम्हारे पास में, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये मैं पहले से तो पहले बता चुका हूं मैं पार्टिकल फिजिक्स में, यहां पे अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड दैट मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके, ये दोनों नोट होने चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। अब लिख लो कंसिडर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन अपन ने क्या कंसिडर किया, स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस स्मॉल वाई, ठीक है। ये तुम्हारे पास में प्रोटॉन इतने हैं, मास नंबर इतना है, जेड एक्स ए, ठीक है, जेड डैश वाई डैश वाई ए डैश, और ये तुम्हारे पास में है ए डैश बी डैश, ठीक है। ये मैंने कोई रिएक्शन कंसिडर की है, ठीक है। अब लिख लो बाय कंजर्वेशन ऑफ मास एंड प्रोटॉन नंबर, बाय कंजर्वेशन ऑफ मास एंड
प्रोटॉन नंबर, मास और प्रोटॉन नंबर का कंजर्वेशन देखें तो देखो यहाँ पे ए प्लस जेड प्रोटोन, प्रोटोन हो गए ए प्लस जेड एल एच एस में, या टेन के वो किसके बराबर होने चाहिए, जेड डैश प्लस ए डैश के। एंड जब मास नंबर कंजर्वेशन देखेंगे तो बी प्लस ए वो किसके बराबर होनी चाहिए, ए डैश प्लस बी डैश, ये इसके बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये जब तुम कंजर्व होगा तुम्हारे पास में, पहले जब तुम केमिस्ट्री की रिएक्शन को जब सोल्व करते थे तो ऐसे ही तो करते थे हम रिएक्शन को सोल्व, तुम्हारे पास में है ना दोनों तरफ प्रोटोन और मास नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो अपन मैं करना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो क्यू है वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या होगा, जब मास तुम्हें गिवन हो तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, इन इन दोनों का मास का सम माइनस इन दोनों के मास का सम इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पूछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो 931.5 से मल्टीप्लाई करना, अगर जूल में पूछे तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है कि मास ना देकर इनकी काइनेटिक एनर्जी दे दे तब तुम कैसे निकालोगे। ठीक है ना, तो अभी उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये नोट करो फिर अपन आगे चलते हैं। हो गया, अब देखो आगे चलते हैं। देखो अब मैं यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो देखो क्या है इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी इसकी प्लस इसकी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इसकी टोटल एनर्जी प्लस इसकी टोटल एनर्जी। ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि रेस्ट में है, रेस्ट में जब तक नहीं बोलेगा तो अपन इसको मोशन में ही मानेंगे। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारे पास में काइनेटिक एनर्जी किसकी, एक्स की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा एम एक्स सी स्क्वायर प्लस टी एक्स, इसकी टोटल एनर्जी होगी रेस्ट मास एनर्जी एम एक्स सी स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस, अब इसकी लिखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा एम कैपिटल एक्स सी स्क्वायर प्लस टी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, अब इसकी लिखेंगे एम वाई सी स्क्वायर प्लस टी कैपिटल वाई प्लस उसके लिखेंगे एम स्मॉल वाई सी स्क्वायर प्लस टी स्मॉल वाई, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देखो एम एक्स सी स्क्वायर प्लस एम कैपिटल एक्स सी स्क्वायर माइनस एम कैपिटल वाई सी स्क्वायर माइनस एम वाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में टी वाई प्लस टी वाई माइनस टी एक्स माइनस टी कैपिटल एक्स, ये हो जाएगा। अच्छा जल्दी से मुझे देख के बताओ ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, ये क्या है तुम्हारे पास में, ध्यान से देखो ये तुम्हारे पास क्यू वैल्यू है क्या, ये रिएक्शन दे रखी है मास के फॉर्म में, क्यू वैल्यू क्या होगी इन दोनों के मास का मतलब इन दोनों इसका मास प्लस इसका मास है ना, इसका स्क्वायर मास का सम माइनस इनके मास का सम इनटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मास सी स्क्वायर प्लस इसका मास सी स्क्वायर माइनस इसका मास सी स्क्वायर माइनस इसका मास सी स्क्वायर, ये तो है तुम्हारे पास में, दिस इज क्यू, ये तुम्हारे पास क्यू है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखो क्यू इज इक्वल टू टी वाई प्लस टी वाई माइनस टी कैपिटल एस माइनस टी कैपिटल स्मॉल एक्स, ये क्या हो गया तुम्हारे पास में क्यू वैल्यू किसके टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। ठीक है ना, तो लिख लो इसको, ये क्या है तुम्हारे पास में, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है तुम्हारे पास में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये क्यू वैल्यू होगी, क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये पता होना चाहिए, नोट कर लो इसको। हो गया, एक और अपन क्यू वैल्यू का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है ना, दो तो निकाल लिए अपन, एक और निकाल लेते हैं। देख लो क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो लिख लो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, बाकी तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी मैंने तुम्हें निकलवा चुका। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, दिस इज द क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना,
तो जो काइनेटिक एनर्जी का होता है वो बाइंडिंग एनर्जी का होता है। तो कंक्लूजन लिख लो अपना, मेन तो ये चीज है, मेन तो कंक्लूजन है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन, क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मासेस, ठीक है, मासेस के टर्म में क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। कहने का मतलब एम आई समीशन माइनस एम एफ समीशन में इनटू सी स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इन जूल। ओके, सेकंड, क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब मुझसे ये मत पूछना कि सर प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, इसलिए मैंने ये चीजें तुम्हें पहले क्लियर कर दी थी, ठीक है ना। और तीसरा नोट करके ये लिख लो, तीसरा नोट करके लिख लो, Q वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में Q वैल्यू, Q इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। चलो जी, ठीक है, शॉर्ट नोट्स तुम्हारे बन गए। शॉर्ट नोट्स के अंदर तुम्हें जो भी मैंने आज पढ़ाया ये लिखना है मुझे, ठीक है। ये तो तुम्हें पता ही होगा ना, प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, टारगेट क्या होता है, पेरेंट न्यूक्लिए क्या होता है, डॉटर न्यूक्लिए क्या होता है, इजेक्टेड पार्टिकल क्या होता है, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसको नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे तुम्हारा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से अपन समझ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी भी तुम अगर समझ में नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर भी तुम्हें लगे कि सर हमको तो ये कंफ्यूज हो रहा है, तो मुझे तो मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हर 7 दिन में अपनी जो मीटिंग होती है उसमें भी तुम पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है ना। कोशिश मैं ये करता हूँ कि मीटिंग के अंदर तुम्हें ऐसी चीजें बताई जाए कि तुम एग्जाम क्वालिफाई कैसे कर सकते हो, कैसे तुम्हें नोट्स बनाने हैं, कैसे तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। कोशिश तुम्हारी ये रहती है कि मीटिंग के अंदर तो कुछ ऐसी चीजें बताएं जो कि तुम उस चीज एक्स्ट्रा कुछ कर सको, उन बातों को सीख के तुम कुछ नया कर सको, कैसे एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं, कैसे इंटरव्यू को फेस करना है, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो तुम्हारे फोन पे या फिर बाद में मैसेज के थ्रू क्लियर हो जाएं, और मीटिंग जो है अपना वो सेपरेटली कुछ नया सीखने को मिले उससे, ठीक है ना। और वैसे भी अपन ने अब संडे का ऑफ रख दिया है, संडे को उनकी अपनी मीटिंग होगी, ठीक है, ये पहले मैंने बता दिया मीटिंग के अंदर। ओके, फिर भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने अपनी फीस सबमिट करवा रखी है और ग्रुप के अंदर ऐड ना हो तो मुझे वो मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो नोट हो गया ये, चलो आगे चलते हैं। आगे अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो इसके बहुत आसान आते हैं, और तुम्हें बताता हूं मैं क्वेश्चंस। दोनों कर लेते हैं अपन, मास के फॉर्म में भी निकाल लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी निकाल लेते हैं, जिससे तुम्हें लगेगा कि हाँ ठीक है, फॉर्मूला ही नहीं अपन क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला लिखा दिया और काम हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चंस भी करते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूट द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूट द Q value of the reaction, Q value of the reaction
क्या है रिएक्शन, 1H2 प्लस Cu63 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस Zn64। ठीक है, ये दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है न्यूट्रॉन्स ऑफ एनर्जी 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन ए कॉपर 63। ठीक है, टारगेट न्यूट्रॉन्स आर ऑब्जर्व्ड विथ 16.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 64 Zn, ठीक है ना, ऑफ मास, इफ लिख लो, इफ मास ऑफ 1H2 का तुम्हें कितना मास दे रखा है, 2.014102U, ठीक है, U के अंदर AMU, ये U है AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन तुम्हें दे रखा है 1.008665U एंड मास ऑफ Cu दे रखा है 63 का 62.9295 U एंड मास ऑफ जिंक दे रखा है 64, ये तुम्हें गिवन है 63.929145 U, ये गिवन है। ठीक है, चलो ओके, इसको सोल्व करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या रिएक्शन दे रखी है, 1H2 ये न्यूट्रॉन होता है प्लस Cu 63 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस Zn64। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, देखने से लग रहा होगा पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसकी क्यू वैल्यू निकालनी है। क्यू वैल्यू, इन सबका मास दे रखा है तो कैसे निकालते हैं क्यू वैल्यू, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। ठीक है, अब देखो U के अंदर दे रखा है अपन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलेगा वो ऑप्शन में देगा कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, तो अपन जनरली किस में निकालते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो यहाँ पे। चलो अब मास ऑफ इनिशियल का सम, ठीक है, न्यूट्रॉन और Cu का मास कितना है, न्यूट्रॉन का देखो कितना है 2.014102 प्लस मास ऑफ कॉपर का कितना है तुम्हारे पास में 62.9295999। ठीक है, माइनस अब क्या करना है, इन दोनों का मास, न्यूट्रॉन का मास कितना दे रखा है 1.008665 माइनस जिंक का तुम्हें कितना दे रखा है 63.9291454, ठीक है, इनटू 931.5। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास जब इसको तुम सॉल्व तो कर लोगे ना, कैलकुलेटर होगा तुम्हारे पास में, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास में हो जाएगा 5.487 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा उसी से निकाला है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास में Q कैसा आ रहा है, Q ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब कैसी रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है ना, जब ये इससे इस पे करवाएंगे तो ये बनेंगे, साथ में एनर्जी कुछ रिलीज होगी यहाँ पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सेकंड ये बोल रहा है न्यूट्रॉन्स ऑफ एनर्जी 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन ए कॉपर टारगेट। ठीक है, ये तुम्हारे पास में देखो न्यूट्रॉन ऑफ एनर्जी 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, न्यूट्रॉन मतलब ये है 1H2 किस पे, कॉपर पे 63। ठीक है, और यहां पे इसकी जो एनर्जी दे रखी है वो 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है।
न्यूट्रॉन्स आर ऑब्जर्व्ड विद 16.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इसका, इसका तुम्हें काइनेटिक एनर्जी तुम्हें निकालनी है, ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हें गिवन है इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस जेड एन 64, ये तो तुम्हें रिएक्शन दे रखी है, और न्यूट्रॉन की तुम्हें काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, न्यूट्रॉन की तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है यहाँ पे 16.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास में। अच्छा इसके अंदर ये और बोल रखा होगा देखो क्वेश्चन के अंदर कि न्यूट्रॉन्स आर ऑब्जर्व्ड विद ये, अच्छा इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में मिसिंग है कि जो टारगेट है तुम्हारे पास में, टारगेट है एट रेस्ट, इसको रेस्ट में कर लेना, ठीक है ना, टारगेट जो है वो रेस्ट के अंदर है। अब देखो ये रेस्ट के अंदर है, दिस इज इन रेस्ट, ठीक है, तो अगर मैं क्यू वैल्यू निकालू, क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना है तुम्हारे पास में, देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी Tn प्लस Tzn माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितनी है T1H2 कर लो यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस TCU63, ये तुम्हारे पास में रेस्ट में है तो जीरो हो जाएगा, जीरो बिकॉज रेस्ट में है तुम्हारे पास में। तो देखो Q वैल्यू की वैल्यू तुम्हें पता है, Q तुमने निकाल लिया कितना आया 5.487 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इज इक्वल टू न्यूट्रॉन की तुम्हें दे रखी है 16.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस Zn की तुम्हें निकालनी है Tzn ऐसे कैसे लिखती हो, माइनस न्यूट्रॉन की तुम्हें दे रखी है 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो जीरो है ही तुम्हारे पास में, तो तुम्हें ये तो निकालना है Tzn, इसको सोल्व कर लो इधर लाके, ठीक है, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा तुम्हारे पास में, 12 और 5 17 हो जाएगा 17.487 माइनस 16.85, ठीक है, तो तुम्हारे पास में 0. एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका 0.937 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इसको, जो भी आंसर आएगा वही सही आंसर है, ठीक है। तो देखो ऐसे तुम्हारे पास में क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, मास के फॉर्म में पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पता होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे अपने मास के फॉर्म में निकाला क्यू की वैल्यू, और वो यूज में कहाँ पे आई, काइनेटिक एनर्जी निकालने में, ठीक है ना, ये सब तुम्हें सारे फॉर्मूले तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत आसान है, एक बार देखोगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा तुम्हें, लेकिन जब तुम इनको 2-3 बार देखोगे तो बहुत आसान लगेगी तुम्हें न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, इतनी आसान लगेगी कि तुम ये सोचोगे कि न्यूक्लियर का तो कैसा भी क्वेश्चन आए अपन सारे क्वेश्चंस कर देंगे। ओके, तो नोट करो फिर अपन आगे चलते हैं। हो गया, चलो मिटा दूं यहां पे, देखो यहां पे नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिख लो,
थ्रीशोल्ड वैल्यू या थ्रीशोल्ड एनर्जी या थ्रीशोल्ड काइनेटिक एनर्जी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख लो। थ्रीशोल्ड एनर्जी, थ्रीशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना, ई टी एच, ये होती है के टी एच प्लस रेस्ट मास एनर्जी, दिस इज थ्रीशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना, ये थ्रीशोल्ड काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस रेस्ट मास एनर्जी। अब देखो इसको अपन पढ़ते क्यों है, ये होती क्या है, पहले इसको समझ लो, ठीक है ना। अपने पास दो केस आए थे, क्यू अपने पास में क्यू वैल्यू आती है, तो उसमें से एक केस ये था इफ क्यू इज लेस देन जीरो, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कहने का मतलब रिएक्टेंट का मास कम है तुम्हारे पास में प्रोडक्ट के मास से, और अपन ने जब पार्टिकल फिजिक्स पढ़ा था तो ऐसी रिएक्शन फ्री स्पेस में पॉसिबल ही नहीं होती, ठीक है, तो यहां पे तो अपन कैसे क्यों पढ़ रहे हैं फिर इसको, ठीक है ना। तो देखो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया, एक तुम्हारे पास में ऐसी एनर्जी आई जिसको अपन बोलते हैं थ्रीशोल्ड काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। कहने का मतलब जो भी प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है उसकी वो मिनिमम एनर्जी, जिससे अपन उस मिनिमम एनर्जी को जब प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को देते हैं तो रिएक्शन तुम्हारे पास में क्या हो जाती है, पॉसिबल। उस मिनिमम एनर्जी से कम एनर्जी पे वो रिएक्शन अलाउड नहीं होती है, डेट इज कॉल्ड एज थ्रीशोल्ड एनर्जी या थ्रीशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो लिख लो इसके अंदर, देयर इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लिखो इसके अंदर, देयर इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कॉल्ड द थ्रीशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, कॉल्ड द थ्रीशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, थ्रीशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि के, ऐसे लिख लो इसको, के टी एच, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी, बिलो विच द एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिलो विच, बिलो विच द एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिलो विच द एंडोथर्मिक रिएक्शन will not processed, will not processed, ठीक है ना, यानी कि उससे कुछ ज्यादा एनर्जी पे ही एक पर्टिकुलर एनर्जी का स्टेज होता है एनर्जी का, उससे कम एनर्जी के ऊपर तुम्हारे पास में जो रिएक्शन है वो प्रोसेस्ड नहीं होगी, उससे ज्यादा एनर्जी पे ही तुम्हारे पास में रिएक्शन अलाउ होगी, वो रिएक्शन पॉसिबल होगी, ठीक है ना। दिस इज द थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो अपने पास में मान लो ये कोई रिएक्शन है x प्लस x इज इक्वल टू y प्लस y, ठीक है, ये रेस्ट में है या नहीं है वो क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना, तुम चाहो तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। तो लिख लो यहाँ पे, जो के टी एच होता है, के टी एच ये होता है माइनस क्यू, माइनस क्यू वन प्लस, वन प्लस, ध्यान रखना ये वाला स्मॉल एम एक्स अपॉन मास ऑफ कैपिटल एक्स, यानी कि इसका मास, इसका मास अपॉन इसका मास, ठीक है, इसका मास मैं मान लेता हूं मास ऑफ कैपिटल एक्स, इसका स्मॉल एक्स, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है और क्यू वैल्यू भी तुम्हारे पास में कब क्या आती है, यहाँ पे माइनस आती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तुम्हारे पास में ऑलरेडी माइनस है, क्यू भी माइनस के अंदर आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसलिए तुम्हारे पास में काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तुम्हें भी पता है। तो लिख लो, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, दिस इज ए स्पेशल केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज ए स्पेशल केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो लग तो रहा है तुम्हारे पास में ये नेगेटिव के अंदर आ रहा है, जब तुम सोल्व करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर विच क्यू इज नेगेटिव, फॉर विच क्यू इज नेगेटिव, ध्यान रखना है, तभी है तुम्हारे पास में जब तुम्हारे पास क्यू क्या हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव है तब ये केस नहीं आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखने का। तो अपन इसके क्वेश्चन कर लेते हैं,
फिर इसके दूसरा फॉर्म भी पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी का, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, देखो क्या है, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है तुम्हारे पास में, प्रोटॉन जो है वो 1H3 ट्राइटियम, ठीक है ना, इस पे इंसिडेंट होता है 1H2, ये बनता है प्लस 1H2, ये बनता है तुम्हारे पास, ठीक है। पहला है इसके अंदर, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ प्रोटॉन आर इंसिडेंट ऑन, इफ प्रोटॉन आर इंसिडेंट ऑन 1H3 एट रेस्ट, ठीक है, ये रेस्ट में दे रखा है। सेकंड क्या है, इफ 1S3, इफ 1S3 दैट मींस इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्राइटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन प्रोटॉन्स, ठीक है। तो देखो यहां पे मास, ये तुम्हें गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन का तुम्हें गिवन है 1.007825U, ट्राइटॉन का तुम्हें गिवन है 3.016049U, ठीक है, और ड्यूटेरियम का दिया गिवन है तुम्हें 2.014102U, ठीक है, 49U है, चलो ये तुम्हें गिवन है, ठीक है। तो देखो अपन इसको सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अपन इसकी क्यू वैल्यू निकालते हैं, क्यों, क्योंकि जब तुम थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो तुम्हें क्यू वैल्यू तो चाहिएगी चाहिएगी, ठीक है ना। तो क्यू वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो देखो क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्यू वैल्यू अपन फॉर्मूला होता है Mi-Mf इंटू 930.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो मास ऑफ, ये क्या है तुम्हारे पास में, देखो दोनों केस, पहला केस क्या बोल रहा है कि प्रोटॉन इसके ऊपर हो रहा है, दूसरा केस बोल रहा है ये तो इधर आ गया, ये इधर आ गया, इस बार टारगेट प्रोटॉन हो गया दूसरे केस में, ठीक है। तो कहने का मतलब रहेंगे तो दोनों रिएक्टेंट के अंदर ही रहेंगे ना, तो क्यू वैल्यू दोनों के सेम आएगी। तो देखो क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन तुम्हारे पास में क्या है, 1.007825 AMU के अंदर, ठीक है ना, प्लस मास ऑफ ट्राइटॉन्स क्या है 3.016049, ठीक है, माइनस ये तुम्हारे पास दो बार आएगा, दोनों सेम है तुम्हारे पास में, तो 2 मल्टीप्लाई लिख देता हूं मैं 2.014102, ठीक है, इनटू 930.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सॉल्व तो कर लोगे इसको, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास में नेगेटिव के अंदर आएगा, ठीक है ना, -4.033304037, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। सॉल्व तो कर लेना, कैलकुलेटर होगा तुम्हारे पास में, एग्जाम में भी रहेगा, ओके। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है ना, अपन क्या करते हैं, ये थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, अब निकालना पड़ेगा क्योंकि क्यू नेगेटिव है, दैट मींस ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर ओनली एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। चलो आगे चलते हैं, आगे देखो, अब पहला क्वेश्चन तुम्हें क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसकी KTH निकालो, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है माइनस क्यू 1+MX/Mx, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, ये टारगेट पार्टिकल, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4.033407, ठीक है, 1+ स्मॉल mx कितना है, यानी कि स्मॉल mx मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना है 1.007825 अपॉन यू के अंदर, यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मास कितना है 3.016049U, ठीक है, ये हो जाएगा 3 से, देखो यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और ये किसमें था, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फाइनल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। जब तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में क्या आएगा, ये आ जाएगा 5.381 मेगा इलेक्ट्रॉन, नोट कर लो इसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो यहां से,
सेकंड क्वेश्चन सेम ही है, इस बार तुमने क्या कर दिया, पहले तो प्रोटॉन को ट्राइटॉन्स पे इंसिडेंट करवाया था, अब क्या कर दिया, ट्राइटॉन को प्रोटॉन पे इंसिडेंट करवा रखा है, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन जो बी है ओनली चेंज क्या होगा, के टी एच इज इक्वल टू माइनस क्यू वन प्लस मास ऑफ वन एच थ्री अपॉन मास ऑफ वन एच वन प्रोटोन का मास, ठीक है, बस चेंज ओनली ये होगा। उसमें तुम्हारे पास में क्या था, ये तो ऊपर था और ये वाला नीचे था, ठीक है ना, ये तुम्हारे पास में क्या था मास ऑफ 1p1 और ये तुम्हारे पास में क्या था मास ऑफ 1s3, ये था तुम्हारे पास में, ठीक है, इसमें जस्ट उल्टा हो गया। इसको जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में 4.03340 37 आ जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस ये उल्टा हो जाएगा, कहने का मतलब 3.016049 अपॉन में 1.007825। इसको जब तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, ये तुम्हारे पास सोल्व हो जाएगा 16.10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, नोट करो इसको, नोट करो फिर अपन आगे चलते हैं। अच्छा इससे कंक्लूजन क्या निकला भाई, है ना, एक अपन ने इसको पहले ले लिया, इसको बाद में, इसको पहले इसको बाद में, है ना, ये तो न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया अपन ने, अलग अलग आंसर आ गए, कंक्लूजन भी तो कुछ निकला होगा, कंक्लूजन क्या निकला बताओ, इसे कंक्लूजन देखो, तुम लिखना चाहो तो लिख लेना, कंक्लूजन इतना निकला है कि जो प्रोटोन है वो तुम्हारे पास में लाइट पार्टिकल, हल्का पार्टिकल होता है, किससे, ट्राइटोन से, इसलिए इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी रिएक्शन को करवाने के लिए वो कम होगी। भाई एक तो तुम्हारे पास में क्या है, सीधा सा एग्जांपल पहले भी दिया था मैंने, एक कोई पतला आदमी है, एक थोड़ा कोई मोटा आदमी है, ठीक है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, पतले वाले की ज्यादा होगी ना भाई, कौन सा तेज भाग सकता है तुम्हारे पास में, पतला वाला तेज भाग सकता है, तो उसमें लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, पी इज लाइटर पार्टिकल देन वन एस थ्री, दस लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन केस वेयर प्रोटोन इज इंसिडेंट और वन एस थ्री, ठीक है ना, तो ये लिख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रोटोन है वो तुम्हारे पास में लाइट पार्टिकल है कंपेयर टू दिस, दैट्स व्हाई द लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द रिएक्शन, ठीक है ना, देखो लेस एनर्जी है, ये ज्यादा एनर्जी है तुम्हारे पास में, पार्टिकल सब कुछ वही है, बस एक में टारगेट को चेंज किया है और प्रोजेक्टाइल को चेंज किया है बस, है ना, तो इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा, चलो आगे चलें। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लिख लो इसके अंदर एनर्जेटिक ऑफ द पार्टिकल रिएक्शन, ये यही चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखो इसके अंदर इफ वी हैव टू पार्टिकल, लिख लो इफ वी हैव, इसका दूसरा फॉर्मूला आएगा इफ वी हैव टू पार्टिकल्स, इफ वी हैव टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2, ऑफ मास m1 एंड m2, ठीक है, m1 and m2 collides with m2 which is at rest, m1 collide with m2 which is at rest, which is at rest, in that case
इन दैट केस लिख लो, इन दैट केस क्या है तुम्हारे पास में m1 m2 से कोलाइड कर रहा है और ये तुम्हें रेस्ट में गिवन है, तो क्या हो जाएगा m3 प्लस m4 प्लस m5 ये तुम्हारे पास में पार्टिकल्स ऐसे बन रहे हैं, ठीक है ना। तो लिख लो देन थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी विल बी ठीक है, क्या होगी थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी KTH इज इक्वल टू ये हो जाएगी तुम्हारे पास में माइनस क्यू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 जितने भी पार्टिकल्स हैं अपॉन में 2m2, ठीक है। m2 क्या है, ये मास ऑफ टारगेट, ठीक है, टारगेट का मास है तुम्हारे पास में। तो ये तुम्हारे पास में फॉर्मूला है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना, गेट में भी पूछा गया और भी एग्जाम से पूछे गए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब KTH क्या हो जाएगा माइनस क्यू सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स अपॉन 2 into मास ऑफ टारगेट पार्टिकल, ठीक है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला नोट कर लो। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में, सो टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी ETH, क्या होती है KTH प्लस रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। ETH इज इक्वल टू KTH तो तुमने निकाल ली, प्लस रेस्ट मास एनर्जी किसकी, इसकी तो ऊपर निकालते हैं, तो लिख लो यहाँ पे m1c2। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसकी निकलती है, जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है इसकी तो निकलती है, इसका रेस्ट मास एनर्जी हो गया तुम्हारे पास में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला तुम्हें याद रखने हैं सारे, शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, ठीक है ना, फॉर्मूले सारे शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। चलो हो गया, चलो क्वेश्चंस करें हम इसके, क्वेश्चंस से ज्यादा चीजें क्लियर होती है ना, जब क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो फिर ऐसे फॉर्मूले तुम लिखते रहो, पता नहीं कितने फॉर्मूले हैं, लेकिन अपन एक भी क्वेश्चंस कर लेते हैं हाँ तो ये हो जाता है, ठीक है, अब अपने हो जाएंगे क्वेश्चंस, होता है तो अपन कर लेंगे एग्जाम वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। चलो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी, टू प्रोड्यूस पाई मेसोन From the reaction, ठीक है, क्या रिएक्शन, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन तुम्हारे पास क्या है, प्रोटॉन प्लस पाई जीरो, मतलब ये मेसोन प्रोड्यूस करने के लिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो कैलकुलेट करो, और तुम्हें गिवन क्या क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मास ऑफ पाई जीरो ये तुम्हें गिवन है 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, दैट इज गिवन, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, अब देखो सॉल्यूशन, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला माइनस क्यू, ठीक है, यहां पे क्या होता है सम ऑफ ऑल मासेस अपॉन 2 into मास ऑफ टारगेट, ठीक है ना, मास ऑफ टारगेट कितना है प्रोटॉन, ये है तुम्हारे पास में। तो देखो क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्यू वैल्यू mi - mf, ठीक है, ये होता है तुम्हारे पास में into c2 या 931.5, लेकिन ऑलरेडी जो मास है वो एनर्जी यूनिट्स में दे रखी है, ये मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनिशियल मासेस कितने हैं, 2, तो 2 गुना कितना कर दूं, प्रोटॉन का मास कितना है 938, ठीक है, माइनस फाइनल मास कितने है तुम्हारे पास में, 2 गुना 938 माइनस 135, ये आएगा तुम्हारे पास में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यू वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू यहां पे रख दो,
KTH कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 135, सम ऑफ ऑल मासेस, सबका सम करेंगे तो देखो 1, 2, 3, 4, तो 4 तो तुम्हारे पास में प्रोटॉन हो गए, प्लस 1 तुम्हारे पास में पाई मेसोन है, ठीक है, अपॉन में 2 × 238, ठीक है, सोल्व तो तुम कर ही लोगे, तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा वहां पे, जब तुम इसको सोल्व करोगे तुम्हारे पास में आ जाएगा लगभग 280 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, अबाउट तुम्हारे पास में 280 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेट इतना आता है, ठीक है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, तो नोट करो फिर आगे चलते हैं। हो गया, अब एक क्वेश्चन तो होमवर्क हो ही जाए, ठीक है, एक क्वेश्चन तो होमवर्क होना चाहिए ना, एक क्वेश्चन तो होमवर्क होना ही चाहिए भैया ना, चलो एक क्वेश्चन अपन होमवर्क देते हैं इसके अंदर। ये मैं यहां पे मिटा रहा हूं, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क, क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क है क्या है, इन 1956 एन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड, एट बर्कली टू रिसर्च फॉर द एंटी प्रोटॉन विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन इन द रिएक्शन कौन सी रिएक्शन में, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन बार एंटी न्यूट्रॉन एंड एंटी प्रोटॉन तुम्हारे पास में ऐसे प्रोड्यूस किया गया। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, ठीक है, अब ध्यान रखना है थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछा है, ठीक है, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं यहां पे, ऑप्शन ए है 5 MPC square, ऑप्शन बी है 6 MPC square, ऑप्शन सी है, एक काम करो यहां पे 7 कर लो, 4 MPC square, एंड ऑप्शन डी है तुम्हारे पास में 8 MPC square, ठीक है, ये ऑप्शन है, ये तुम्हारे लिए पहला क्वेश्चन आज का है, होमवर्क है, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब अपन एक डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं, यहां पे लिख लो डायरेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड एनर्जी, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, तो तुम्हारे पास में लिख लो, इफ ए पार्टिकल ए ऑफ एनर्जी ई हिट्स ए पार्टिकल बी
hits a particle V, which is at rest, producing the which is at rest, producing the particles C1, C2, C3 ऐसे produce करता है, ठीक है? Then क्या ले सकते हैं अपन, A कोई particle है, B कोई rest में particle है, target particle है, C1 plus C2 plus C3 ऐसे तुम्हें मिलते हैं, ठीक है? तो लिख लो, then the threshold energy for the reaction, then the threshold energy of the reaction, then the threshold energy of the reaction, ठीक है? Threshold energy बोल रहा हूँ मैं, threshold kinetic energy नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, threshold energy, यानी कि kth plus m not c square, ठीक है? मैं total threshold energy बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसका direct formula, अभी तो अपन ने क्या देखा था कि kinetic threshold energy अलग निकालो, फिर उसको rest mass energy से add करो, फिर तुम्हारे पास total आता था, अब मैं direct लिखवा रहा हूँ, तो ये लिख लो तुम्हारे पास में क्या होगा, लिख लो m3 plus m4 plus m5 plus dot सबका स्क्वायर, ध्यान रखना समझना, इन सबका ऐड करने के बाद स्क्वायर, माइनस m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन देख लो अपॉन 2m2 अपॉन में 2m2, समझ में आ गया? इसमें कोई क्यू वैल्यू तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें अपन ने डायरेक्ट सारा कैलकुलेट करके निकाल लिया, ठीक है ना? दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी का, थ्रेशोल्ड एनर्जी का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, नोट करो इसको, हो गया? तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे, शॉर्ट नोट्स में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स, तो ठीक है, उसके बिना तो तुम ये मानो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा तुम्हारा। शॉर्ट नोट्स में तुम्हें क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स के अंदर तुम्हें लिखना है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना, उसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लेना। पहला फॉर्मूला क्या लिखोगे, kth इज इक्वल टू माइनस q 1 प्लस स्मॉल mx, यानी कि रिएक्टर जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, अपॉन मास ऑफ टारगेट, ठीक है, ये तुम्हारे पास में फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। टोटल एनर्जी निकालोगे तो eth इज इक्वल टू kth प्लस रेस्ट मास एनर्जी। सेकंड फॉर्मूला अगर तुम्हारे पास में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m3 m4 m6 m7 m8 तक ऐसे बन रहे हैं पार्टिकल, तो सेकंड फॉर्मूला क्या है kth का, kth इज इक्वल टू माइनस q सम ऑफ ऑल मासेस, ठीक है ना, सारे मासेस का सम तुम्हारे पास में, अपॉन में 2 मास ऑफ टारगेट पार्टिकल, और थर्ड तुम्हारे पास में डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, ठीक है। तो अपना जो सेपरेशन एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट है। ध्यान से पढ़ना, शॉर्ट नोट्स टाइम से बनाना, और कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे जरूर मैसेज करना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स पे मैं हर लेक्चर में बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तुम्हें अभी नहीं, जब तुम एग्जाम दोगे ना, उससे जब तुम 2 दिन पहले पढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि शॉर्ट नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। होमवर्क क्वेश्चन तुम्हें करके मुझे कमेंट करके बताना है, ग्रुप में मैसेज करना है कि सर इसका ये आंसर है, और डिस्कस करना है फिर आपस में। आज के लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।